यानी कि जो गरीब का बच्चा पढ़ के आया सरकारी स्कूल से, उसको 12वीं के बाद अब उसकी 13वीं कर दीजिए शिक्षा से, वो बच्चा संस्कृत पढ़ के 11-12 से वो स्टीफेंस कॉलेज में इंटरव्यू दे लेगा, जहाँ पे टेस्ट ही ये हो रहा है कि उसकी अंग्रेजी कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके पास कितना पैसे वाले घर से आ रहा है वो। तो मंदिर मस्जिद बन रहा है, शाखा बन रही है, लेकिन बड़े बड़े नेता जो है अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल भेजते हैं और फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजते हैं, वो तो नहीं भेजते अपने बच्चों को शाखा में ट्रेनिंग लेने के लिए। अगर वो ऐसा दावा करे तो वे कानून बना ले कि जो भी आम आदमी पार्टी के मंत्री है और कार्यालय उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि आज भी जो है सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरी। 1% तो देखा जाए तो सही है, गरीबों को पढ़ने का मौका भी मिल रहा है, और एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत गलत भी है। क्या वो बहुत सारी जानकारियाँ रखता है? सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। सरकारी स्कूल में ये स्थिति है कि बच्चे अगर आप चार लोगों के बीच में खड़ा कर दे, क्योंकि उनका इस तरह कभी ट्रेनिंग नहीं हुआ, कभी बोलने का मौका नहीं मिला, तो चार लोगों के बीच में अगर आप उनसे कोई सवाल पूछे तो घबरा जाते। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के विश्वविद्यालय, यहाँ विश्वविद्यालय पर जो लगातार स्टूडेंट बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक महीना हो गया लगातार ये लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर VC जो है सोए हुए हैं। क्यों बैठे हुए? सेंट स्टीफन्स की जो शाम इवनिंग कॉलेज की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, और उसमें जो है जो क्राइटेरिया रख दिया गया है वो इंटरव्यू द्वारा जो है एडमिशन किया जाएगा, और ये हंगर स्ट्राइक का जो है बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है। यहाँ लगातार जो है अनिश्चितकालीन धरने का इन्होंने ऐलान किया था, उसी के चलते यहाँ पर जो है आज आप सामने देख सकते हैं छात्र भी बैठे हैं, दो छात्र हैं जो स्कूल के छात्र हैं, और यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। तो इन्हीं से लोगों से जान लेते हैं, सर क्यों बैठे हुए? हम यहाँ, मेरा नाम राहुल है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का सदस्य हूँ। हम यहाँ पे इसलिए बैठे हुए क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि सेंट स्टीफन्स कॉलेज में इस साल जो एडमिशन हो रहा है उसमें वो इंटरव्यू को 15% वेटेज दे रहे हैं। हमारी एक मांग ये है कि इसको रोल बैक करा जाए, क्योंकि ये हाईली डिस्क्रिमिनेटरी है, ये छात्रों में भेदभाव का एक तरीका है करने का, और एक छटनी का माध्यम है, क्योंकि इंटरव्यू का कोई बेसिस नहीं है कि किस बेसिस पे दो बच्चों को जांचा जाएगा किसने बेहतर करा है, और इंटरव्यू से वही क्रैक कर पाता है जो हाईली प्रिविलेज ग्राउंड से होता है। ये वहाँ का रवैया रहा है बहुत सालों से, सेंट स्टीफन्स कॉलेज एक गढ़ बन चुका है सिर्फ और सिर्फ जो अमीर ज़्यादा है उन्हीं के लिए। हमारी और भी मांगे, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 20% डेप्रेशन पॉइंट्स उन बच्चों को मिलना चाहिए जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत अभी भी घटिया है, वो पहले से ही जो है इस गैर बराबरी का को भुगत रहे, वो पहले सी रेस जो है उसमें पीछे है, और कुछ बच्चे पहले सी रेस में बहुत आगे हैं। तो बच्चे जो रेस में पीछे जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी ये मांगे कि 20% डेप्रेशन पॉइंट्स को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी अधिकार है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का। ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पाए जाते हैं, और वहाँ पे बहुत ही घटिया शिक्षा मिलती है, 20 से 25 दिन की क्लासेस मिलती है, टीचर्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे, बस पास की सुविधा नहीं। दिल्ली सरकार तो दावे कर रही है कि बहुत अच्छा जो है बच्चों के लिए भविष्य सुधारा जा रहा है, अच्छी क्लासेस मिल रही हैं, स्कूलों के ढांचे बदल दिए हैं उन्होंने, जो छात्रों को है एजुकेशन बहुत बढ़िया मिल रही है। ज़मीनी स्तर पे अगर आप जांच करेंगे तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अभी भी बहुसंख्यक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरी। अगर ऐसा है तो क्यों आम आदमी पार्टी के मंत्री जो है उनके बच्चे खुद जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते? अगर वो ऐसा दावा करे तो वे कानून बना ले कि जो भी आम आदमी पार्टी के मंत्री है और कार्यालय है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि आज भी जो है सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरी है। राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय पहले से ही बहुत अच्छे थे, परंतु जो सर्वोदय विद्यालय, अगर आप बुराड़ी जाएंगे, नरेला जाएंगे, नागलोइन जाएंगे, वहाँ पे सरकारी स्कूलों की हालत देखेंगे, अभी तक वहाँ पे कोई सुधार नहीं आया, और वहाँ से जो भी बच्चा 12वीं पास करके निकलता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेज तक नहीं पहुँच पाता, जैसे हिंदू, रामजस, SRC, वो ज़्यादातर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में ही पाए जाते हैं। हमने सर्वे करा है खुद, ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल से जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में ही एडमिशन लेते हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो गैर बराबरी शिक्षा व्यवस्था है, जिस 12वीं तक जो है दो दोहरी शिक्षा नीति है, जो है एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, जिनके पास रुपया है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के जो है आगे निकलते आते हैं रेस में, और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं। तो हमारी यही मांग है कि भैया जो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकल रहा है उनका भी अधिकार है अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का, इसीलिए जो भी कॉलेजेस है रामजस उनमें इवनिंग शिफ्ट में क्लासेस शुरू करी जाए, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल दो शिफ्ट में चलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग, उसी तरह से ये कॉलेजेस भी दो शिफ्ट में चल सकते हैं जो बच्चे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पढ़ते, या जो बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते 12वीं के बाद
वो यहाँ पे पढ़ पाएंगे। अगर ज़्यादा सीट्स होंगी, ज़्यादा कॉलेजेस होंगे, अगर इवनिंग शिफ्ट में क्लासेस शुरू होंगी तो बच्चे यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो हमारी ये तीन मांगे हैं, इनको लेकर हमारा लगभग 25 दिनों से आंदोलन चल रहा है। हम यहाँ पे सिटिंग प्रोटेस्ट भी करे थे और यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करे, बहुत सारे साथी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए इन्हीं तीन मांगों को लेकर। एक महीना हो गया, आपकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है और आप लगातार यहाँ बैठे हुए हैं? ऐसा नहीं है कि हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही। हमने मेमोरेंडम सबमिट करा था दिल्ली विश्वविद्यालय को, वाइस चांसलर को, हमारी बातचीत हुई थी, तो बातचीत में हमको यही बताया गया है कि आप कार्रवाई करें, और हम दबाव भी डाल रहे हैं। दबाव की वजह से हमको आश्वासन मिला है अभी तक कि आपकी कार्रवाई हो रही है, और कोर्ट में जो मसला चल रहा है सेंसिटिव वाला है उसको लेकर भी यही है कि भैया कोर्ट में हमने ये भी बोला कि भैया दिल्ली विश्वविद्यालय एक पक्ष रखे जिसमें यही रखा जाए कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो अपना एडमिशन पॉलिसी उसको रोल बैक करा जाए। ऐसा क्यों है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के और कॉलेज में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे दाखिला होगा और सेंट स्टीफेंस कॉलेज अपना खुद का ही एक एडमिशन प्रोसेस जो है वो चला रहा है? तो हमारी बातचीत हुई है और आंदोलन का दबाव भी है, इसीलिए उन्होंने हमको आश्वासन दिया। और ये भी ज़रूरी है जानने की कि हमारा आंदोलन चल रहा था और उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने डिटेन करा हमको एक दिन, हमको थाने में ले गए वो, और बहुत सारे साथियों का नाम भी लिखा गया। तो हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी करी, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। हम सोशल मीडिया पे तरह तरह से जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मलिका। मलिका, आप स्कूल से आई हैं, अभी छुट्टी हो गई है या स्कूल से आ गई हैं? छुट्टी होने के बाद आए हम। क्यों आए हो आप भी यहाँ पर जो है इन छात्रों के साथ बैठ गई आके यहाँ पे? अगले जाके हमें भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके हमें अगर हमें सीटें नहीं मिलेंगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे ना, तो इसलिए हम उसके विरुद्ध करने के लिए आए। अच्छा, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है ऐसा सरकार बता रही है, दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है कि मतलब अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है या फिर उनके ढांचे खराब है, इस तरीके का है कुछ? हाँ, कुछ कुछ मतलब ज़्यादातर है, मतलब कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादातर है जैसे कि आप बोल रहे हो वैसा है असलियत में, कि सरकारी स्कूल इतने खास नहीं है, बट 1% तो देखा जाए तो सही है, गरीबों को पढ़ने का मौका भी मिल रहा है, और एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत गलत भी है, मतलब इक्वल होना चाहिए तो बच्चों को सामान्य शिक्षा मिलेगी। तो क्या चाहते हो, कौन सी क्लास में? 12th में हो। आगे अपने भविष्य के, अभी से जो है आपको मतलब पता लग गया है कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? हाँ, हो रहा है, हो ही रहा है, पता लग गया है। हाँ, इतनी नॉलेज आ गई है आपके पास? हाँ, इतना आ गया है, मतलब अपने आगे जाके हमें भी कुछ करना है तो अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ विरुद्ध करना पड़ेगा ना, मतलब सरकार जो बोल रही है उसको करना भी पड़ेगा ना। पढ़ना चाहती हो रेगुलर कॉलेज में? हाँ, रेगुलर कॉलेज में। सपना क्या है आपका, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो? मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन। कौन से कॉलेज में? इसमें भी कॉलेज में बहुत फेमस कॉलेज है, रामजस है, हिंदू है, किरोड़ीमल कॉलेज है, किस में लेना चाहते हैं? किसी में तो हिंदू में, हिंदी कॉलेज में लेना चाहते हो? हाँ। लेकिन और भी लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक की यहाँ पर जो है इन्होंने बात की है, तो और भी लोगों से हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदिता है। मुदिता, ये प्रोटेस्ट जो है लगातार 1 महीने से चल रहा है आपका, आप अनिश्चितकालीन भी करते हैं फिर बैठते भी हैं लगातार, लेकिन मांगे जो है आपकी वही की वही है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग यहाँ पर भी वो तस से मस नहीं हो रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था में रहते हैं जिसको 60 से ऊपर साल लग गए थे, जिसको आज़ादी कहते हैं, उसके बाद भी एक राइट टू एजुकेशन लाने में, तो ये क्या सबूत है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम जिसको आज़ाद देश कह रहे हैं उसमें भी जब तक जनता आवाज़ उठा के नहीं बोलती कि हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए, तब तक आपको इस देश में कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं, आज स्टीफेंस कॉलेज की सुनवाई है कोर्ट में इस इशू को लेके कि 15% वेटेज जो इंटरव्यू की प्रक्रिया को देता है अपनी दाखिला प्रक्रिया में उसको नहीं देना चाहिए, तो यूनिवर्सिटी और स्टीफेंस कॉलेज के बीच में आज हियरिंग है। हम पिछले महीने भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहे हैं, आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पहली तो इस मांग को लेकर कि एक समान दाखिला प्रक्रिया होनी चाहिए पूरी यूनिवर्सिटी में। स्टीफेंस कॉलेज किसी की मिल्कियत नहीं है, स्टीफेंस कॉलेज एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, सरकार के पैसे यानी कि जनता के पैसे से चलता है, वो कोई प्राइवेट नहीं है, ना तो इस सिस्टम के बाहर का है, ना वो अंग्रेज़ों की विरासत है, जो वो अपना मनमाना तरीका चाहें उस तरीके से एडमिशन लेंगे ऐसा नहीं चलेगा। अभी तक वो चलाते आए हैं ये दूसरी बात है, पर अब इसके आगे नहीं चलना चाहिए, मतलब एक समय तक
महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया गया, दलितों को नहीं पढ़ने दिया गया। संघर्ष का नतीजा है कि आज हम में से कुछ लोग पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं मैं यहाँ पे कि अभी तक स्टीफेंस कॉलेज ने अपनी इस एलिटिस्ट एक्सक्लूजनरी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को जारी रखा, उसको तो हम नहीं बदल सकते उस हकीकत को, पर आगे इसे नहीं जारी रखा जाना चाहिए। दूसरा और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मांग जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं हमारी, वो ये है कि पिछले 20-30 साल में इस यूनिवर्सिटी में एक भी नया कॉलेज नहीं खुलता है। शर्म की बात है ये। यूनिवर्सिटी के ही आस पड़ोस हम देखते हैं बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बन जाती हैं, सिनेमा हॉल्स बनते हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुलते हैं, थिएटर्स खुलते हैं, अगर एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहा है तो ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? ये साफ साफ ये दिखा रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ज़रूरत ही नहीं है ना। मंदिर मस्जिद बन रहा है, जब इतना बड़ा राम मंदिर बन गया खुश हो जाना चाहिए। तो मंदिर मस्जिद बन रहा है, शाखा बन रही है, लेकिन बड़े बड़े नेता जो हैं अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल भेजते हैं और फिर फॉरन यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजते हैं, वो तो नहीं भेजते अपने बच्चों को शाखा में ट्रेनिंग लेने के लिए। बड़े बड़े नेता हैं वो अब कोई भी अपने यहाँ तक कि अपनी शिक्षा व्यवस्था के सरकारी स्कूल तक भी नहीं भेजते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि आज की जो सरकार है, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो यूनिवर्सिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नहीं चाहते हैं कि समाज का जो बहुसंख्यक हिस्सा है, बहुसंख्यक हिस्सा कौन है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ लिख पाएँ। क्योंकि बेहतर शिक्षा से ही आपकी एक सीढ़ी तैयार होती है समाज में उम्मीद कर पाने की, सपना देख पाने की कि आप अपनी परिस्थिति को बेहतर कर सकते हैं। सोदिया तो अच्छी शिक्षा दे ही रहे हैं ना इनको सरकारी स्कूल में, बहुत अच्छा। आप जाइए पता करिए कितने स्कूलों में साइंस है, कितने स्कूलों में कॉमर्स है, कितने स्कूलों को कहा जाता है अच्छा ये नाले के पास है तो ये नाले वाला स्कूल है। पता करिए जाके, कई स्कूल ऐसे हैं कि पहली बात तो साइंस और कॉमर्स है ही नहीं, उसके अलावा जो अगर आर्ट्स लेने पर जो मजबूर हुए हैं तो उसमें इंग्लिश का भी ऑप्शन नहीं है, संस्कृत लेना पड़ रहा है 11th 12th में। वो बच्चा संस्कृत पढ़ के 11th 12th से वो स्टीफेंस कॉलेज में इंटरव्यू दे लेगा जहाँ पे टेस्ट ही ये हो रहा है कि उसकी अंग्रेजी कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके पास कितना पैसे वाले घर से आ रहा है वो, और अगर इंग्लिश आती भी है तो उसका एक्सेंट गवर्नमेंट स्कूल वाला तो नहीं है, ब्रिटिश एक्सेंट है कि नहीं। तो ये चीज़ें हमें पता करनी पड़ेंगी। सरकारी स्कूल इतना अच्छा है तो ये आपके जितने भी नेता हैं अपनी तारीफ कर रहे थे, अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते सरकारी स्कूल में? क्यों नहीं भेजते अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में? नहीं भेजते ना। तो ये साफ साफ प्रमाण है एक समाज में, हमारे यहाँ दोहरी शिक्षा नीति मौजूद है जहाँ अमीर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में, दून, वुडस्टॉक, इन सब जगह भेजते हैं, और फिर वहाँ से आने वाले छात्र कंपीट करता है एक ऐसे स्कूल से आने वाले छात्र से जहाँ पे लड़ झगड़ के किसी तरह वो आर्ट्स पढ़ पाता है 11th 12th तक। तो ये अनफेयर कॉम्पिटिशन है, ये साफ तौर पर अनफेयर कॉम्पिटिशन है। पिछले सालों में लगातार कट ऑफ की दीवार बढ़ रही थी, इस साल आप CUET ले आए हैं, तो हमारी मांग है कि कुछ कॉलेज में इवनिंग कॉलेज हैं तो जब तक आप नए कॉलेज नहीं खोल रहे सब कॉलेज में आप इवनिंग बैच शुरू करिए। उसके अलावा वंचित समुदाय से आने वाले छात्र यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ दाखिला मिल पाए, उसके लिए आप यहाँ पे 20% डेप्रिवेशन पॉइंट दीजिए, यानी कि 20% रियायती अंक दीजिए उन्हें दाखिले की प्रक्रिया के दौरान, ताकि जिनका पहला अधिकार होना चाहिए, यानी कि जो सरकारी स्कूल से आ रहे हैं उनका पहला अधिकार होना चाहिए सरकारी विश्वविद्यालय पर, वो अधिकार उन तक पहुंच पाए। वरना हम देख रहे हैं पिछले सालों में एनरोलमेंट जो है केवल और केवल दूरस्थ शिक्षा में बढ़ रहा है, जो कि एक महिला सुरक्षा के तहत अगर देखा जाए तो इवनिंग क्लासेस जो है वो ठीक नहीं है, है ना। मॉर्निंग में आएंगी जो बच्चे हैं, जो मॉर्निंग में आए लड़कियाँ जो गर्ल्स हैं उनकी सेफ्टी पर्पस भी तो है। देखिए आपको सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी मेरी दोस्त हैं वो इवनिंग कॉलेजेस में पढ़ती हैं, ठीक है। आप इसीलिए हम कह रहे हैं कि नए कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे, क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो भी लड़कियां जहां पे रह रही हैं उनके घर के पास में कॉलेज हो, और साफ सुरक्षित माहौल देना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपने बहुत सुरक्षित माहौल नहीं दिया इसलिए हम इवनिंग कॉलेज नहीं देंगे। हम ये नहीं कह रहे इवनिंग कॉलेज हमेशा के लिए दीजिए जब तक आप नए कॉलेज नहीं खोल रहे हैं। कुछ कॉलेज में इवनिंग कॉलेज चलते हैं, वहाँ के केवल लड़के पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं परिस्थितियों के बावजूद पढ़ने आती हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहती हैं। और दूसरी बात यह कि बहुसंख्यक नहीं पढ़ पा रही हैं वहाँ पे क्योंकि एडमिशन नहीं मिलता, बहुसंख्यक इवनिंग में भी एडमिशन नहीं ले पा रही हैं, ये आलम है। बहुसंख्यक SOL में, IGNOU में, NCWEB में इसलिए पढ़ रहे हैं कि उन्हें किसी इवनिंग कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप पूछिए इनसे, ये NCWEB में पढ़ती हैं, अगर इनको यहाँ पर हिंदू कॉलेज में इवनिंग बैच में एडमिशन मिलेगा या हंसराज में मिलेगा, DRC में मिलेगा, क्या ये नहीं पढ़ने आएंगी इतनी दूर? आएंगी, कभी परिस्थिति बदलेगी, कभी घर से भी इनको उस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा, लेकिन क्यों नहीं पढ़ने आएंगी? यहाँ SOL में, NCWEB में, IGNOU में पढ़ते हैं, ना क्लास मिलती, ना स्टडी मटेरियल मिलता है, एग्जाम में फेल कर दिया जाता है। तो साफ साफ ये रास्ता तैयार किया जाता है कि जो जितने दिक्कतमय परिस्थिति से आ रहा है, बैकग्राउंड से आ रहा है, वो ना तो पढ़ पाए, ना समान शिक्षा ले पाए, और समाज में केवल सस्ता मजदूर बनने के लिए वो मजबूर होता रहे। इसलिए हम ये मांगें उठा रहे हैं, क्योंकि आज हम पढ़ पा रहे हैं इसलिए नहीं कि कोई शिक्षा व्यवस्था की नेकदिली के कारण पढ़ पा रहे हैं, बहुत दरिया दिल है हमारा सिस्टम, हम इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संघर्ष करके हमारे लिए जगह बनाई है, और अगर हम
अभी जगह नहीं बनाएंगे बाकियों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये शिक्षा व्यवस्था और ये सिस्टम, हम लोगों ने जितने भी अधिकार लड़कर जीते हैं, आज की सरकार सब चीज़ें कॉर्पोरेटाइज कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, केवल पूंजीपतियों के हाथ में सौंप। अभी आपने कहा कि ओपन लर्निंग जो है कॉलेजेस और साथ में इग्नू, तो क्या वहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है अगर वहाँ भी पढ़ाई हो रही है तो? घटिया है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की आपको बात बताती हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय दो मोड में चलता है, एक रेगुलर मोड और एक डिस्टेंस मोड। ठीक है, डिस्टेंस मोड का नाम है मुक्त शिक्षा विद्यालय, वास्तव में वो शिक्षा से मुक्ति विद्यालय है। यहाँ पर 180 से 200 दिन की क्लास मिलती है उसी सिलेबस के लिए। वहाँ पर रो रो के जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करके हम लोग अपनी हमारी आवाज़ें बैठ नहीं जाती तब तक हमें 15 से 20 क्लास नहीं मिलती हैं वहाँ पे। उसके अलावा घटिया स्टडी मटेरियल जो वहाँ पे देते हैं, सब स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल देते हैं। 2019 में छात्र के वाइस के साथ मिलके हाईकोर्ट गए थे, जब मनमाने तरीके से बिना तैयारी के सेमेस्टर सिस्टम वहाँ पे थोपा गया था, तो हाईकोर्ट के जज तक ने कहा कि इससे अच्छा स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ लें, ये सब स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है। सुभाष चंद्र बोस को लिखा रहता है बॉस, एक ही पेज पे आपको 10 तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल जाएंगी, और ये जानबूझकर खराब स्टडी मटेरियल बनाया जाता है कि अगर स्टूडेंट कितना भी अच्छा हो पढ़ने में, जब खराब स्टडी मटेरियल पढ़ेगा तो खराब ही लिख के आएगा। लेकिन त्रासदी ये है कि वो खराब स्टडी मटेरियल भी उसको टाइम पर नहीं मिलता है। यूजीसी की गाइडलाइन है कि आप दूरस्थ शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र को 14 दिन के एडमिशन के अंदर अंदर कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाना चाहिए। यहाँ लंबी लंबी लाइन लगती है एग्जाम के एक महीने पहले, एक हफ्ते पहले तक ये पूरा स्टडी मटेरियल नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, कुछ सब्जेक्ट का तो मटेरियल देते ही नहीं है। जितना भी स्ट्रगल करके हमने बदलाव कुछ ला पाए थे एसओएल के अंदर कि हम बराबरी चाहते हैं, एसओएल और रेगुलर का अंतर हो ही ना, यहाँ पे सबको शिक्षा मिले, ठीक है, तो वो सब कोविड के बाद रोल बैक हो गया, वापस हो गया। अब ना तो क्लास मिलती है, ना तो स्टडी मटेरियल मिलता है, ना क्लास लगाई जाती है। अगर कभी लगाई जाती है तो वो ऐसी क्लास लगाई जाती है ऑनलाइन में कि 100 ही बच्चे एंटर कर पाते हैं, बाकी ऐसे ही घूमते रहते हैं। अगर कभी पहले भी कैंपस में लगाई जाती थी तो 100 बच्चे बैठ गए, बाकी सब बच्चे क्या, कोई खिड़की पे बैठा है, कोई मजबूर है बाहर घूमने के लिए। तो बहुत ख़राब व्यवस्था में पढ़ाया जाता है और ये जानबूझ के किया जाता है। और सबसे बड़ी त्रासदी, ये पब्लिक फंडेड है, वो प्राइवेट है। यानी कि जो गरीब का बच्चा पढ़ के आए सरकारी स्कूल से, उसको 12वीं के बाद आप उसकी 13वीं कर दीजिए शिक्षा से, वो प्राइवेट में ढकेल दीजिए आप उसको, ठीक है। और जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आ रहा है, जिसके पास इतनी हैसियत भी हो सकता है हो कि वो एमिटी जा सकता है, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करता है, उसको पब्लिक फंडेड एजुकेशन का लाभ मिलता है। तो हमारा यहाँ से सवाल है कि जनता के पैसे से ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, कॉलेज चलते हैं, और उसी जनता के बच्चों तक ये कॉलेज क्यों नहीं पहुँच रहा? जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारे अधिकार हमसे मारे जाते रहेंगे, तब तक हमें बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा, तब तक हमसे कहा जाएगा कि अच्छे दिन आ गए हैं, बस हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वाकई में हम चाहते हैं कि शोषण मुक्त बराबरी पर आधारित समाज हो, और उसके लिए शिक्षा, बराबर शिक्षा एक नींव है। जब तक वाइस चांसलर का बच्चा, शिक्षा मंत्री का बच्चा और यहाँ पर सफाई कर्मचारी का बच्चा एक ही शिक्षा व्यवस्था के स्कूल और यूनिवर्सिटी में जा पाने का उनके पास अधिकार नहीं होगा, तब तक हम कैसे सपना देख सकते हैं? सरकार एकता समानता की बात कर रही है और आप लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके का व्यवहार करने में कुछ नहीं जाता है, बातें करने में कुछ नहीं जाता है। बातें करने को, कहने को तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भी आ चुके हैं, ठीक है। कहने को तो यहाँ सब गरीबी दूर हो गई है, भुखमरी दूर हो गई है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा कोविड की, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। कहने के लिए जो अच्छे दिन आए हैं वो केवल पूंजीपतियों के आए हैं, आपदा में अवसर ढूंढ कर भी आए हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक जनता है उसके लिए आज स्थिति ये है कि आपदा में अवसर खोज के लगातार काले कानून लाए गए हैं। नई शिक्षा नीति में लगातार 8वीं के बाद पहले से ही एक बड़ा हिस्सा स्टूडेंट्स का बड़ी मुश्किल से 12वीं तक पहुंच पाता था, क्योंकि राइट टू एजुकेशन आपका जो बड़ी देर से आया वो केवल 8वीं तक ही लागू होता है। तो उसके बावजूद जो 12वीं तक स्टूडेंट पहुंच पाते हैं, 12वीं के बाद उनकी 13वीं हो जाती है, क्योंकि जब आप देखते हैं दूरस्थ शिक्षा में ये इग्नू एसओएल में इन सब एडमिशन लेके आप पहले साल में देख लेते हैं यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, मजबूरन स्टूडेंट सेकेंड ईयर में ढूंढता है कोई जॉब, क्योंकि भाई परिवार ऐसे परिवारों से आ रहे हैं कि माली स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो आप NEP ले आए हैं, आप कह रहे हैं कि अब प्राइवेटाइजेशन वाया ग्रेडेड ऑटोनॉमी, यानी कि अब आपको ग्रांट नहीं देनी कॉलेजेस को, अब आप कॉलेजेस लोन लेंगे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से उनको लोन मिलेगा, उसकी फीस बढ़ेगी, अब आप कट ऑफ की जगह CUET ले आएंगे, यानी स्टूडेंट के पास अगर जेब में पैसा है कोचिंग अफोर्ड कर पाने का तब तो वो आए यहाँ पे सपना देखे एडमिशन लेने का, बाकी स्टूडेंट यही इग्नू SOL NCVEB इन सब में दाखिला लेके खटते रहें, 14-14 घंटे काम करने वाले मजदूर बनते रहें। तो इस तरीके की हकीकत को हम तब्दील करना चाहते हैं। तब क्या कुछ करेंगे, इतने दिनों से तो बैठ गए, अभी भी कुछ तो हो नहीं पाया है? नहीं, हमारा आंदोलन चल रहा है,
ठीक है, और अभी जो हमारा आंदोलन है वो इस विषय पे है कि यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रियायती अंक दिया जाए 20% का, क्योंकि सरकारी स्कूल की जो हालत है वो बहुत ख़राब है और ये जग जाहिर बात है। आप लोग हालत ख़राब बता रहे हैं सरकारी स्कूल की, और आज ही जो है एक CM साहब जो है बोलते हैं, मंच से बोलते हैं कि इस तरीके से जो है मनीष सिसोदिया ने इतने अच्छा काम किया है, पूरे विदेशों में उनका डंका बज रहा है, विदेशों में उनकी जो है नाम की तारीफ की जाती है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों के ढांचे बदल दिए, उनकी तकदीर बदल दी है। हाँ, तो वो एक दो है ऐसे जो जिनको दिखाने के लिए नमूने के तौर पे, मॉडल जिसे कहा जाता है, उस तौर पे इन्होंने रखे बचा के, सारा फंड उस तरफ जाता है और उसको बहुत इन्होंने एकदम अच्छा बना के रखा है, लेकिन जो बहुल जो स्कूल है तो मॉडल बना दिया आप ऐसे जी, बिल्कुल एकदम मॉडल बना दिया, जब भी कुछ बात होती है तो उसी का फोटो दिखाते हैं, उसी के ऊपर चर्चा होती है, पर जो बहुल इलाकों ये स्कूल है, जो उनके सर्वोदय बाल विद्यालय जैसे स्कूल है, नगर निगम के जो प्राथमिक स्कूल है, ठीक है, उस तरह के जो स्कूल है दिल्ली में जो चल रहे हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, खस्ताहाल हालत है, टीचर्स का पता नहीं है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, इवन वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज नहीं हैं, ठीक है, स्ट्रीम नहीं है, जैसे कुछ स्कूल, बहुत सारे स्कूल है जिसमें सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स है, साइंस नहीं है, साइंस है तो वहाँ लेबोरेटरी नहीं है, ठीक है, लाइब्रेरी का आता पता नहीं, ऐसे स्कूल भरे पड़े हैं, उनको जाके ऐसे सर्वोदय बाल विद्यालयों में जाकर देखना चाहिए, और उन इलाकों में खासकर जो मजदूर बहुल इलाके हैं जहाँ पे मजदूर वर्ग रहता है, ओखला जैसे स्कूल हो गए, ठीक है, वज़ीराबाद के स्कूल हो गए, बदरपुर के स्कूल हो गए, इन सब इलाकों में जाके उन्हें देखना चाहिए, वो ऐसे रिहायशी इलाकों में जाते हैं और बहुत जो एक स्टैंडर्ड इलाका है उस इलाके के सरकारी स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पे दिखा रहे बस, उनको जो जहाँ पे मजदूर वर्ग का बहुल आबादी रहता है वहाँ के स्कूलों की क्या हालत है वो उनको दिखानी चाहिए, वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हंगर स्ट्राइक कब तक चलेगी आपकी? अभी हमारा जो हंगर स्ट्राइक है वो 12 घंटे का है, ठीक है, ये एक तौर पे हमने सांकेतिक तौर पे किया है, और लेकिन हमारा आंदोलन जब तक हमें हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बोला भी तो आपको, आप लोगों के लिए ये भी बोला जाता है कि आप जो है मुद्दा लेकर बैठ जाते हैं सरकार को घेरने के लिए, राजनीति करने के लिए चाहिए आप लोगों को, छात्रों को। देखिए, शिक्षा का मुद्दा मेरे ख्याल से कोई आज हम पहली बार नहीं लेकर आए, हम उस पूरी एक जो शिक्षा के लिए संघर्ष चला है इतिहास में, ठीक है, उसका हम एक हिस्सा है, हम उस लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं आके हम बैठे हैं यहाँ पे, या हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, ज्योतिबा फुले हो गए, सावित्री बाई हो गई, ठीक है, ये सब हमारे पूर्वज जो रहे हैं वो इस लड़ाई को लड़ते आए, और शिक्षा पाने की लड़ाई है, उसमें हमारी ये मांगे हैं, जो नई चीज़ जुड़ी है उसमें ये हम कह रहे हैं कि आप जो है नए कॉलेज खोलिए, आप जो है सरकारी स्कूल के छात्रों को 20% का रियायती अंक दीजिए, आपने जो एक इंटरव्यू सिस्टम बिठा के जो सेंट स्टीफन कॉलेज ने गैर बराबरी करने की कोशिश की है उसे ख़त्म कीजिए, ये हमारी मांगे हैं। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, और इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। ये तो उन तरीके की गैर बराबरी यही है कि आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप जो इंटरव्यू सेंट स्टीफन कॉलेज में इंटरव्यू लेने बैठा है उसका एक अपना एक चरित्र है, अपना एक क्लास है, अपने एक वर्ग से आता है, यानी जाहिर सी बात है खाए पिए लोग हैं, ठीक है, और वो उनका एक जो सोचने का तरीका है उसमें उसी तरह के लोग फिट होंगे, जो मजदूर वर्ग से सरकारी स्कूल से जो बच्चे आएंगे वो कहीं से फिट नहीं होंगे, क्योंकि वो इंटरव्यू लेते समय वो ये देखेंगे क्या वो अपनी बात को सही से रख पा रहा है, क्या वो बहुत सारी जानकारियाँ रखता है, सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। सरकारी स्कूल में ये स्थिति है कि बच्चे अगर आप 4 लोगों के बीच में खड़ा कर दें, क्योंकि उनका इस तरह कभी ट्रेनिंग नहीं हुआ, कभी बोलने का मौका नहीं मिला, तो 4 लोगों के बीच में अगर आप उनसे कोई सवाल पूछे तो घबरा जाते हैं। जो है हंगर स्ट्राइक इन लोगों ने किया है, और लगातार जो सेंट स्टीफन्स अपनी मनमानी कर रहा है एडमिशन्स को लेकर, जो उसने एक क्राइटेरिया जो स्थापित कर दिया है कि जो एडमिशन लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के तहत ले पाएंगे, तो वही उसी चीज़ की मांग के लिए ये लोग लगातार बैठ रहे हैं। 1 महीना हो गया है और आज हंगर स्ट्राइक है, उसी के चलते ये लोग जो है लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी फैजल के साथ मैं पूजा, विश्वविद्यालय।